तो कैसे करते हो, शुरू करते हो घर से? कितने किलोमीटर जाना पड़ता है? रांची और फिर वापस आते हो? 3 दिन लगते हैं टोटल। 3 दिन के मतलब 1000 रुपए बनते हैं। गैस का काम है जो मिल गया, कम से कम दिन भर में मिल गया पैसा। कितनी बोरियां हैं? 210 किलो हो गए। बैठते कहाँ आप? बैठ के दिखाओ, चलाते कैसे? धकेलते हो? अच्छा, दिखाओ धकेल, ट्राई करता हूँ। कहाँ पकड़ना है? हेवी है। देश में कम से कम साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। सो हेलो एवरीवन, कैसे? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि भाई राहुल गांधी का बहुत बड़ा रैली यहां पे आने वाला है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को यह भी दिखाने वाला हूं कि रांची झारखंड के लोग कितना ज्यादा प्यार देने वाला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइस हमारे इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हुए हैं बुट्टी मोड़, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे जो न्याय यात्रा निकला हुआ है राहुल गांधी जी का, तो उसी के स्वागत में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आएंगे। और यहाँ पे अभी राहुल गांधी जी पार होंगे, तो अभी मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे गांव से आए हुए हैं, और देखिए ट्राइबल ड्रेस में सभी कोई है, और ये लोग स्वागत के लिए खड़े। विश्वास है जन जन में, मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया आवाज है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन तो फाइनली फ्रेंड मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से रैली हो रहा है और कितना जन सैलाब में भीड़ आने वाला है। हमारे साथ देखिए अदनान भाई है, और यह है शहीद मैदान, तो यहीं पे अभी होने वाला है भाई, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जन सैलाब है यहाँ पे भाई, इतना ज्यादा भीड़ है कि अनकंट्रोल होगी। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शहीद मैदान में, और यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ जन सैलाब जैसा भीड़ है, इतना ज्यादा भीड़ है कि भाई अनकंट्रोल है। चलिए मैं आप लोगों को और भी सामने से दिखाता हूँ। और यहाँ पे एंट्री होने के लिए देख सकते हैं ये चेकिंग वाला लगाया गया है, और उसके साथ साथ देखिए इतना ज्यादा भीड़ है कि मैं क्या ही बताऊं भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पे जेसीबी में लगाया गया है भाई, देख सकते हैं बोर्ड, राहुल गांधी जी का फोटो लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप ये। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली झाखो रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है, नफरत ना कोने देंगे इस पावन पावन पार्टी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी सारी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंगा लड़ाएंगे। सब चुप हो गए भाई और बहनों, 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं,
और 100% बजट में से ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5% कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बजट में भेंट बांटती है तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी वर्ग लेता है। आप जानते हो दलित वर्ग के अफसर कितना निर्णय लेते हैं? फिर से बोलो, 0 जितना, उसको 0 ही मान लो। आदिवासी वर्ग उनको भी 0 मान लो। तो आपकी ना सरकार में हिस्सेदारी, ना कॉर्पोरेट सेक्टर में हिस्सेदारी। आप जाइए लिस्ट निकालिए, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए, उसमें देखिए, उसमें आपको दलित नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक मालिक नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक दलित कोई नहीं मिलने वाला उसमें। फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालिए, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में, अस्पतालों में, कोर्ट्स में, स्कूल कॉलेजेस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं कितने। 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और एक और बात समझिए, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। इसको जीएसटी से फायदा हुआ हो मुझे दिखा दो, कौन है ये? अंबानी को फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ, देश के अमीर लोगों को फायदा हुआ, ये एचएसई में जो काम करते हैं इनका जबरदस्त नुकसान हुआ। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अमीर लोग नहीं देते, जीएसटी वो मजदूर देता है जो 200 किलो को धकेल रहा था। वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है, अंबानी देता है। वो शर्ट खरीदता है उतनी ही जीएसटी लगती है जितनी अदानी जी की शर्ट को लगती है। तो पैसा कहां से जा रहा है? बजट का पैसा कहां से जा रहा है? दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी से। और जा कहां रहा है? अरबपतियों के जेब में, अदानी की जेब में, इन लोगों की जेब में। पहले नरेंद्र मोदी कहते थे, हर भाषण में कहते थे, मैं ओबीसी हूं, याद है आपको? तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी आप ओबीसी हैं, आप पिछड़े वर्ग के हैं, तो आप ऐसे करिए, जाति जनगणना लागू कर दीजिए, देश को बता दीजिए कि आप जैसे पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में दो ही जात है, एक अमीर है और एक गरीब है, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे मित्र नहीं है, ये जो ये रिपोर्टर है, ये हो सकते बेचारे, मगर इनके जो मालिक है वो हमारे मित्र नहीं है, उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, हम संविधान के लिए लड़ रहे हो और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो। आखिरी बात, नहीं नहीं बोलो, जोर से बोलो, नहीं नहीं एक सेकंड, जोर से बोलो, ये देखो, सरना कोर्ट देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे।
सो फ्रेंड्स फाइनली मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस तरीके से यहाँ पे किया गया। और भाई मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, रांची के जो शहीद मैदान है ना, यहाँ पे भाई जनसैलाब आया हुआ था। और मैंने आप लोगों को स्पीच भी दिखाया और यहाँ पे बहुत सारे लोग, जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, वो यहाँ पे भर भर के आए हुए थे। यहाँ पे जगह भी नहीं था। और भाई आप लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से यहाँ पे स्पीच भी चला, सारा कुछ चला। और मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को दिखाने का कि किस तरीके से रांची में बहुत ही जोरों शोर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया जा रहा था और यहाँ पे कितने सारे लोग भाग भी लिए, कितने सारे लोग दूर दूर से आए भी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी है द चैलेंज किंग 43, आप उसे जाओ से फॉलो करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।